आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एक चीज और कवर करने वाले हैं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप से फोटो कोई बना रहे हैं, या मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स आपने मोबाइल में फोटो खींचा और उसको आप फोटोशॉप से या प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो चीज भी हम इसमें कवर कर देंगे और पासपोर्ट साइज फोटो किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप, देखिए व्हाट्सएप ऐप इमेज हमने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया हुआ फोटो है। उसको एक बार आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे और यहाँ पर पेंट का ऑप्शन आता है, सभी विंडो में आपको मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसको आप यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में फिर से आपको देखिए यहाँ पर फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटोशॉप में ये फोटो ओपन कर लेना है। अब देखिए इस प्रकार से ये आपका फोटो जो है फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए इस पर क्लिक कर देना है क्रॉप टूल पर, और यहाँ पर आ जाना है जो कि आप साइज देंगे। अगर पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे हैं तो 3.5 cm लिखेंगे, और यहाँ पर 4.5 cm यहाँ पर आप लिखेंगे, और रेजुलेशन आप 300 रहने देंगे। अब यहाँ पर आप फोटो पर क्रॉप करेंगे और यहाँ पर इसको क्रॉप करने की कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि दोनों जो कंधे होते हैं वो फोटो में समान रूप से आ जाएं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद में इसे क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करते ही आप एंटर का बटन दबा देंगे तो ये आपका फोटो जो है इस प्रकार से क्रॉप हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा कि आपका एक बेहतरीन पासपोर्ट साइज फोटो निकल कर आ जाए। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका फोटो आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडजस्टमेंट पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए नीचे वाले ऑप्शन को अगर आप यहाँ पर जो इसका लेवल बढ़ाते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपका जो चेहरे में क्लैरिटी होती है, जो मतलब डार्क वार्क आते हैं फोटो, तो उनको आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, और लेवल बढ़ाने के बाद में देखिए ये हमारा इस प्रकार से फोटो कुछ चमकदार हो चुका है। ऊपर आता है ब्राइटनेस, यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। देखिए कॉन्टैक्ट हमने बढ़ा दिया है तो ये हमारा काफी अच्छा फोटो जो है दिखने लग गया है। तो इस प्रकार से ओके कर देंगे। अब आपको इसको स्मूथ या रीटचिंग करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप फिल्टर पर जाएंगे। फिल्टर पर जाने के बाद में देखिए ब्लर का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर स्मार्ट ब्लर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए आपका जो यहाँ पर चेहरा दिख रहा है, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर ब्लर होने के बाद में देखिए रीटचिंग हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आपको चेहरा दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने छोड़ दिया तो रीटचिंग हो चुका है, और इसको अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा ब्लर आपका सही नहीं रहेगा, ऑटो ब्लर सही रहता है। और यहाँ पर ऊपर का लेवल भी आप देख सकते हैं, तो या ये यहीं पर आपका जो ऊपर का लेवल है वो 0.5 तक ही होना चाहिए, और ये आप 15 से 10 के बीच में रख सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका देखिए ये रिटच हो चुका है। रिटच होने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन और आता है, आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, और यहाँ पर ये यह देखिए आपका पूरा जो फोटो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको एडिटिंग पे एडिट पर जाकर आपको स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट बन होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे, या जिस लाइन का भी बॉर्डर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि हम अपने केस में यहाँ पर देखिए ब्लू देखा देकर दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर हमने ब्लू पर क्लिक किया, और यहाँ पर आपको जैसे बन लिखा हुआ है तो आपको टैन लिख देना है, पीएक्स अपने आप ही ऑटो हो जाएगा, और यहाँ पर ओके करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर चारों ओर से एक ब्लू जो बॉर्डर आ चुका है। अब यहाँ पर आप कंट्रोल एन दबाएंगे, और यहाँ पर देखिए पेपर साइज अपना A4 साइज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से साइड से कर लेंगे। और यहाँ पर आप जाएंगे आप मूव टूल पर, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप देखिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस बटन करके रखेंगे, और की जो माउस से फोटो पर लेकर जाएंगे और उसको यहाँ पर ड्रॉप एंड डाउन कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपका फोटो आ जाएगा। अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सेट कर देना है। सेट करने के बाद में देखिए आपने इस प्रकार से सेट कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स आप क्या होता है, अब फोटो को आप अगर आप यहाँ पर टू कॉपी फिर से कई सारे फोटो बनाते हैं तो आपके तिरछे मिर्चे फोटो हो जाते हैं, सेटिंग एक लाइन में नहीं बन पाते हैं। फिर से आपको शिफ्ट प्लस एल्ट दबा कर रखेंगे, और यहाँ पर देखिए फोटो आपका उसी लाइन में जिस आपको डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं बस कॉपी होता जाएगा, और ये आपका फोटो बिल्कुल भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए आप काफी सारे फोटो को यहाँ पर डिजाइन एक साथ में दे सकते हैं इस प्रकार से।
तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। फ्रेंड्स हमने फोटो बना लिए हैं, जो कि आप किसी भी स्टेप में आप 6 फोटो या 4 फोटो बना सकते हैं। और इसको डायरेक्ट आप देखें, अब आता है आपके पास में कंट्रोल पी। आपको अगर आते हैं तो भी फ्रेंड्स हम आपको ये नहीं कि आपको सिखा रहे हैं, केवल आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके यूज के लिए वीडियो काम आती है तो आप यूज में ले सकते हैं। तो देखिए आप कंट्रोल पी यहां पर दबाएंगे। कंट्रोल पी दबाने के बाद में आपके सामने देखिए ऑप्शन काफी सारे आ जाएंगे। जैसे कि हमने फोटो सेलेक्ट किया और कंट्रोल पी दबा दिया है, अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है। देखिए ये फोटो की लाइन जो है ऊपर कट रही है। इस प्रकार से बहुत सारे जो नए सीखे लोग होते हैं वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आता है पेज सेटअप का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए साइज में लेटर हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और A4 साइज क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। तो देखिए आपका फोटो बिल्कुल फ्रेम में पूरा फुल अप हो चुका है, अब कहीं से भी ये कट नहीं रहा है। अब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका प्रिंटर है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आप जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में अगर आप इप्सोन कैनन इत्यादि प्रिंटर्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखिए पेपर साइज मिलेगा, जो कि आप इप्सोन मेट या देखिए अदर मेट हमारे में आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप इप्सोन कर रहे हैं, कैनन कर रहे हैं, तो मेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेपर प्रिंट क्वालिटी आप नॉर्मल या हाई आता है, इप्सोन में हाई आता है और एचपी में बेस्ट आता है, तो आप यहाँ पर बेस्ट कर दीजिएगा और ओके करेंगे। और इसको बस यहाँ पर ओके करते ही ये आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, जो कि आपका इतना ये फोटो आपने बनाए, मान लीजिए 6 फोटो आप बना रहे हैं, 12 फोटो आप बना रहे हैं, वो एक ही क्लिक में आप कैसे बना सकते हैं। केवल आपको ऑटो ही उसमें कट हो जाएगा, फोटो कट हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, सब कुछ आपको ऑटो हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, उसको भी देखेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों और भाइयों को भेज दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि उनके भी काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।